हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 का मैथ का वीडियो लेकर आया हूं, अर्थमेटिक एक्सरसाइज 10A भारती भवन। इसमें देखिए क्वेश्चन 15 नंबर का क्या कहा, यदि एक कलम को 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेचा जाता है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। मतलब वो अगर सोचा कि 4% हानि पर हम बेचें तब उसको कितना मिलता, और एक बार सोच के देखा कि अगर हम 4% लाभ पर बेचते तो कितना मिलता, तो दोनों के बीच में अंतर जब देखा तो उसको पता चला कि 6 रुपया अधिक हमको प्राप्त होगा। तो फिर कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, वो ध्यान दीजिए। हमको कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो कलम का क्रय मूल्य हमें मान लेना पड़ेगा। माना कि कलम का क्रय मूल्य बराबर ₹x, क्रय मूल्य ₹x मान लिया, ठीक है। अच्छा, 4% अगर हानि पर बेचता तो वो कितना में बेचता, तो यहाँ पे लिखें कि 4% हानि होने पर क्या होता है, विक्रय मूल्य कम मिलता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जब कम मिलेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा बताइए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो 4%, ठीक है। बराबर अगर क्रय मूल्य कॉमन ले लेते हैं तो आता है 1 माइनस 4% है तो 4/100 कर देंगे, बराबर क्रय मूल्य एक्स है बैठा देते हैं, एक्स 1 माइनस 4/100 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 25 से काट दीजिए, 1 माइनस 1/25। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलने वाला है एक्स इंटू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू एक्स इंटू 24/25 इज इक्वल टू 24x/5 रुपीज़। ये रुपया हमें मिलने वाला है अगर 4% हानि पर बेचे तब, ठीक है। और अगर 4% लाभ पर बेचता है तो क्या होगा, यदि 4% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना मिलने वाला है, तो क्रय मूल्य इसका एक्स है तो एक्स प्लस एक्स का 4/100 इस तरह से भी बना सकते हैं, बराबर एक्स प्लस इसको काट लीजिए 25, एक्स 25 इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना 1/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा 25 25x+x इज इक्वल टू 26x/25। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना बोला, 6 रुपया का डिफरेंस बोला, तो 4 रुपया 4% अधिक लाभ लेकर अगर बेचेगा तो उसको ये रुपया प्राप्त होगा, और 4% अगर कम पर बेचा तो उसे 24x/25 रुपया प्राप्त होगा, ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा क्या,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26x/25 माइनस 24x/25 बराबर 6। 6 रुपये का क्या होता है, अंतर होता है। अगर ये लाभ पर बेचता है तो 26x/25 और हानि पर बेचता है तो 24x/25 रुपया इसको प्राप्त होता है। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 रुपया। या इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तब आता है 26x-24x = 6 आता है। या इसको अगर माइनस करें तो 2x/25 = 6/1। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम क्रॉस गुना करते हैं 2x = 150, या x का मान अगर निकालते हैं तो 150/2 कट के आ गया कितना, 75। इसका मतलब क्या है कि कलम का जो क्रय मूल्य है वो 75 रुपये। अतः कलम का क्रय मूल्य बराबर 75 और यही आंसर। क्लियर, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लिया जाए कि कलम का क्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लिए, 4% हानि होने से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 4%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्रय मूल्य लिखे हैं तो क्रय मूल्य कॉमन ले लिए हैं, 1-4/100 इसको काट लिए हैं, 1-1/25। ठीक है, इसका भिन्न का घटाव कर लिए हैं तो आया 24x/25। ये हुआ 4% हानि पर बेचने से। अगर वो 4% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या मिलेगा, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 4% जो लाभ मिलने वाला है, यानी x/25 रुपये। इसको अगर भिन्न का जोड़ किए हैं तो आया 26x/25। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि अगर वो 4% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और एक बार 4% हानि पर बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य में फ़र्क कितना होगा, 6 रुपये का फर्क होगा। ठीक है, ये 6 रुपये का फर्क, इसका मतलब 26x/25 - 24/25 = 6। अब इसका भिन्न का जोड़ करके हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करने के बाद x का मान निकल के आ जाता है 75 रुपया और यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर, आगे बढ़िए, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। ए ने एक पंखा को 15% लाभ पर बेचा, यदि वह पंखा को 25% कम दाम में खरीदता और 64 रुपया कम दाम में बेचता तो उसे 32% का लाभ हो जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खरीदते समय बोल रहा है 25% कम दाम पर खरीदता, तब उसको 32% का लाभ होता है। तो पंखा का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, जो निकालने के लिए कहा गया है वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। माना कि पंखा का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक, अच्छा, 15% लाभ पर बेचा, लाभ प्रतिशत बराबर 15%, इसलिए कितना में बेचेगा, विक्रय मूल्य बराबर x + x/15/100, सीधा सीधी अगर हम देखें तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा x + 3×20 = 3x/20
अब इसको भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 3x और डिवाइडेड बाय 20, हमें मिल रहा है 23x बटे 20। ध्यान दीजिए कि ये अगर 15% लाभ पर बेचा तो इतना इसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि पंखा को 25% कम दाम में खरीदता और 64 रुपये कम में बेचता, तो 25% कम दाम में खरीदता है तो क्रय मूल्य कितना होगा? लिखेंगे यदि पंखा को 25% कम मूल्य पर खरीदता है तो पंखा का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए बताइए? पंखा का क्रय मूल्य देखिए, पहले जितना दाम में खरीदा x रुपया, अब उसमें 25% कम दाम में खरीद रहा तो x माइनस x का 25/100, ठीक है, x में माइनस कर देंगे क्योंकि कम दाम में खरीद रहा है। अब देखिए वो पंखा को कितना में खरीद रहा है, x माइनस x बटे 4, यानी इस बार पंखा को वो कितना में खरीद रहा है तो 4x माइनस x डिवाइडेड बाय 4 बराबर 3x बटे 4 रुपया में पंखा को खरीद रहा है, ठीक, 3x बाय 4 रुपया में पंखा को खरीद रहा है। लेकिन इस बार पंखा को जितना में खरीदा है और बेचते समय ये दूसरी स्थिति में ये क्रय मूल्य हो गया, यदि पंखा को 25% दाम पर वो खरीदता है, कम दाम पर खरीदता है तो पंखा का क्रय मूल्य हो गया 3x बटे 4 रुपया, ठीक है। अतः दूसरी स्थिति में पंखा का क्रय मूल्य बराबर 3x क्रय मूल्य बराबर 3x बटे 4, ठीक। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य में बताया कि पहले जितना में बेचा जाता उससे 64 रुपया में कम में बेचा जाता है। देखिए पहले 23x/20 रुपया में बेचा जाता, तो 23x/20 माइनस 64 यानी 64 रुपया कम में बेचता है। क्वेश्चन पढ़िए, 64 रुपया कम में बेचता है, ठीक है, 25% कम दाम में खरीदता है और 64 रुपया कम में बेचता है तो 32% का लाभ होता है, ठीक है। तो ये इसका विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। अब लाभ इसको कितना होता है, लाभ प्रतिशत बराबर इस बार 32% लाभ हो जाता है, ठीक। तो अब चूंकि यहाँ पर हम लोग जो सूत्र बैठाएंगे वो है, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1+, चूंकि लाभ हो रहा है इस बार 1+ आर यानी 32%, 32/100। अच्छा, विक्रय मूल्य के जगह पे यहाँ पे बैठाया जाए कितना, 23x डिवाइडेड बाय 20 माइनस 64 बाय 1 कर सकते हैं बराबर क्रय मूल्य कितना, तो इस बार कम दाम में खरीदा है तो कितना में खरीदा, 3x/4 में खरीदा है तो यहाँ पे 3x/4 लिख देंगे, और यहाँ पे अगर कटेगा तो काट दीजिए,
चार अठी 32, 25, यानी इसका अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 8 5 13 33 बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाएंगे। अगर सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 23x माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 चार दूनी 8, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 चार दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1280 बराबर। इधर तो कटेगा नहीं, तो इसको 33 × 3 99x, अब 25 × 100। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं 20 25। ठीक, ये कट गया है। अब देखिए जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 23 × 5 करिए, 5 5 3 15 5 2 10 1 11 115x माइनस 1280 बराबर। अच्छा, ये 1280 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 0 8 5 40 का 0, बाकी 4 12 5 60 4 64 6 100। ठीक है, अब इसको बराबर करते हैं 99x, ठीक, या 115x माइनस 99x इज इक्वल टू 6400, इसको इधर कर लेंगे या इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, 16x इज इक्वल टू 6400। अब इसको x का मान इसमें हम निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 6400 डिवाइडेड बाय 16, चार बार में काट लीजिए, 400, या x बराबर कितना आ जाएगा, 400 रुपया, और यही आपका आंसर है। आंसर करने का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि पंखा का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पंखा का क्रय मूल्य हम लोग x माने हैं, अतः पंखा का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया, और यही आंसर। क्लियर, अब देखते हैं और आगे कोई सवाल है क्या। ये देखिए एक सवाल और निकल के आ गया, ये है 17 नंबर का सवाल। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि 3 रेडियो को क्रमशः 270 165 और 262 रुपये 50 पैसा में बेचा। यदि प्रथम रेडियो को 20% लाभ पर और दूसरा को 10% लाभ पर बेचता है, और यदि कुल 3 × 1/4% है, ये है 3 × 1/4%, 3 × 1/4% ऐसे है। ठीक है, 3 × 1/4% हो तो तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य पूछा है यहाँ पर। ठीक है, ये सब क्या है, ये रेडियो का विक्रय मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। और प्रथम रेडियो पर 20% लाभ लिया, दूसरा रेडियो पर 10% लाभ लिया, ठीक है, और कुल लाभ इतना होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए तीनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना होता है, ये पहले आप निकालिए। शुरू करते हैं आंसर, देखिए तीनों रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य अगर जोड़ेंगे तो आएगा 270 प्लस 165 प्लस 262 रुपया 50 पैसे। ठीक है, सबको क्या करेंगे, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जोड़ देंगे,
ये क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखना चाहिए था, अभी हम लिख दे रहे हैं का विक्रय मूल्य, चूँकि ये सारा क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक, अब सबका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, जोड़ दीजिए इसको, 50.22777 का 7 आ गया, 6 6 12 12 7 19 का 9, बाकी 1 3 3 3 1 4 4 2 6, 657 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये रेडियो का विक्रय मूल्य हो गया। अच्छा, अब कहता है कि कुल रेडियो को बेचने में लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है देख लीजिए, तीनों रेडियो को बेचकर कुल लाभ हुआ 3 × 1/4%। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 3 × 1/4%, है ना, 3 × 1/4%, 4 × 12 13/4%, 3 × 1/8% है, 3 × 1/8%, यहाँ पे थोड़ा सा भूल छप गया है, यहाँ पे 8 करिए, 3 × 1/8%। ठीक है, तो अब 3 × 1/8% है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 3 × 1/8% लाभ। इसको अगर हम तोड़ दें तो 8 × 3 = 24 25/8% हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, विक्रय मूल्य हमें मिला है और इसके साथ साथ लाभ भी मिला है, तो तीनों का रेडियो का क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, इसलिए तीनों रेडियो का क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य अगर निकालना हो तो क्या लिखते हैं, अगर लाभ हो तो विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय 1 प्लस लाभ बटे x। ठीक, तो विक्रय मूल्य जितना है बैठा दीजिए, विक्रय मूल्य है 6970.50 बटे 1 प्लस लाभ, लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत, लाभ है 25/8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25/8, 25/8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100। ठीक है, लाभ प्रतिशत, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6970.50 डिवाइडेड बाय, इसको देखिए कट जाए तो काट लीजिए, 4 8 6 32 हो गया, तो 1 + 1/32। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, 6967.50 डिवाइडेड बाय, ये आ जाता है 32 और प्लस 1 33। अच्छा, एक चीज और, इतना प्रतिशत का हानि हुई, एक मिनट, यहाँ पर यदि कुल लाभ तीनों मिलाकर उसे इतना रुपया का हानि हुई, यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा सा भूल छपा हुआ है, यहाँ पे लाभ नहीं है, कुल इतना का हानि हो गया, यहाँ पे हानि हो गई, ठीक है, हानि हुआ है, यहाँ पे हानि हुआ है। ठीक है, तो हानि जब हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, हानि प्रतिशत। ठीक है, बाकी सब वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय 1 माइनस हानि बटे 100। अच्छा, अब यहाँ पे सारा चीज़ वही रहेगा, यहाँ पे केवल हम लिखेंगे 69697, यहाँ पे 697 ठीक है, और यहाँ पे होगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, अब देखिए हानि कितना 25, तो 25 बटे 8 ठीक। अब इसको अगर हम काट लेते हैं तो 4 आता है ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल आप माइनस कर दीजिए बस और कुछ नहीं, 1 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 1/32 ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं तो आता है 32 - 1/32 ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, इज इक्वल टू 697.50 / यहाँ पे आएगा 31/32 ठीक है। अब इसको थोड़ा उलट लीजिए, आएगा 6975 / इसका देखिए एक दशमलव हटा दिए तो यहाँ पे 10 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको भी उलट दीजिए 31। अब देखिए जो जो कटता है काट लीजिए, यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा तो काट लीजिए, 5 × 10 यहाँ काटिए, 5 से 5 एकम 5 फिर आ जाएगा 19, 5 × 3 = 15, 5 × 45 = 25, फिर 2 से नहीं, अब 31 से काट लीजिए, 31 से अगर काट लेंगे तो आपका आ जाएगा 1395 को 31 से करें तो कितना बार में लग जाएगा, 3 × 4 = 12, 4 से लगा दें, चलिए 4 से लगाते हैं, 4 × 4 = 12 आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर कितना 5 से लगाते हैं, 5 से लगा देंगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा, कट गया पूरा पूरी, तो बोलिए कितना 45 में कट गया ना, इसको काट देते हैं 45 में पूरा पूरी कट गया ठीक है। तो अच्छा इसको भी काट दें तो 16 से कट गया, तो 45 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 × 16 अब इसको गुना करें, 720। अब जो 720 रुपया आया है ये क्या आया है, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर लिखा है तीनों रेडियो का क्रय मूल्य, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया 720, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 720 रुपया। अच्छा देखिए प्रथम रेडियो का कितना विक्रय मूल्य था, प्रथम रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर प्रथम रेडियो का था 270 रुपया प्रथम रेडियो का विक्रय मूल्य था ठीक है। इसको लाभ प्रतिशत कितना लाभ पर बेचा गया था, लाभ प्रतिशत इसका था 20%, इसलिए इसका अगर हम क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य बराबर, तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, 270 और 1 + 20/100 ठीक है, बराबर 270/1 आइए आ जाएगा 120/100, इसको उलट दीजिए 100/120
काट देते हैं इसका, और 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 में 27, 4 से काट दीजिए 25, 25 गुना 9, 25 गुना 9, 25 गुना 9 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 225, 225 रुपया, ठीक है। अब दूसरा दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य, दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य है, दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य है 165। अच्छा, इसको लाभ कितना लिया गया है, तो इसका लाभ प्रतिशत लिया गया है, इसका लाभ लिया गया है 10%, ठीक है, दूसरा पर 10% लाभ लिया गया, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी 165 और डिवाइडेड बाय 1+10%, तो 10/100 कर देंगे, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 165/1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 नीचे चलाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे 110 आ जाएगा, 0 0 काट देंगे, 11 कम 11 और फिर 11 5 55, इसका आ जाएगा 15 गुना 10 यानी 150 रुपया। दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य 150 रुपया, और तीनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, चूंकि तीनों रेडियो का क्रय मूल्य निकला था 720 रुपया, ठीक है, इसलिए तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 720 में माइनस करेंगे कितना, दो रेडियो का क्रय मूल्य कितना कितना निकल के आ गया है, कितना निकल के आ गया है, पहला का आया है 225 और प्लस दूसरा का आया है 150, ठीक है, तो दोनों रेडियो का अगर क्रय मूल्य जोड़ करके तीनों रेडियो के क्रय मूल्य में माइनस कर देते हैं तो तीसरा का निकल जाता है, ठीक है, तो इसलिए 720 में माइनस करेंगे कितना, इसको जोड़ दीजिए तो आया 5 5 2 7 2 1 3, 375 को माइनस कर देंगे तो इसमें क्या होगा, तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, 5 11 में 7 जाएगा, 7 4 11 और ये बचेगा कितना, 6 6 में 3 गया तो 3, तो तीसरा रेडियो का जो क्रय मूल्य आया है वो कितना आ गया है, 345 रुपया, और यही 345 रुपया जो है वो आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया आंसर, क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य जो दिया है उसको योग कर लेंगे, 270 165 262.50, ठीक है, तीनों को जोड़ करके निकाल लिए, 697 रुपये 50 पैसा, ठीक है। अच्छा, तीनों रेडियो को बेचकर हानि कितना हुआ, तो यहाँ बता रहा है 3 पूर्णांक 1/8% हानि हुआ, तो हानि इसको अगर हम पूर्णांक में ले लेते हैं, ठीक है, सम विषम भिन्न में ले लेते हैं, तो आता है 25/8%, ठीक। अच्छा, तीनों रेडियो का क्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहेंगे
तो क्या होगा कि हमें तीनों रेडियो का विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है, तो सूत्र बैठ जाएगा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय 1 माइनस हानि बटे 100। अब इसको विक्रय मूल्य बैठाएँ 697.50 और 1 माइनस 25/8 गुना 1/100। अब इसको काट दिए हैं, काटने के बाद आ गया है 1 माइनस 1/32। इसको फिर सॉल्व किए हैं तो आया है 31/32 नीचे वाला और ऊपर जस का तस है। अब इसको उलट दिए हैं, उलटने के बाद आया है 32/31। 31 से कट गया पूरी तरह से, 45 और गुना 16 कर दिए, 45 और 16 गुना करके आ गया आपका 720। इसका मतलब ये बता रहा है कि तीनों रेडियो का क्रय मूल्य 720 रुपया। ठीक, अब तीनों रेडियो का क्रय मूल्य जब 720 रुपया है, प्रथम रेडियो का विक्रय मूल्य 270 और लाभ इसमें 20% लिया है, तो इसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाय 1 प्लस जितना इसका लाभ है बटे 100, लाभ बटे 100। तो इसको फिर हम निकाले हैं, तो निकाल करके इसका मान आया 225। दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य आया 165 और लाभ प्रतिशत 10%, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकल के आया 150। अब तीनों रेडियो का क्रय मूल्य हो जाएगा 720 रुपया। ठीक है, और तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो 720 रुपया में हम क्या करेंगे, तीनों रेडियो दोनों रेडियो का जो क्रय मूल्य है उसको माइनस कर देंगे। तो पहला का 225 निकल के आया, दूसरा का 150 निकल के आया, दोनों को माइनस किए तो आया 345 रुपया। तो ये जो 345 रुपया आया है यही रेडियो का क्या है, ये तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य है और यही आंसर आया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जो नए हैं सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।